हाय, 21 सितंबर को पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ ओपन हुआ। इसका मतलब कि आप आज से आईपीओ के लिए ग्रो ऐप पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करें कि ना करें, ये जानने से पहले आपको कंपनी और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। और इसलिए आज के वीडियो में हम आपको पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ्स और इसके रिस्क के बारे में बताएंगे। और फाइनली हम आपको आईपीओ की डिटेल्स भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी आईपीओ के पैसों का यूज कैसे करेगी। कंपनी आईपीओ के थ्रू रेज फंड्स का यूज मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए, अपना डेट कम करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। आप एक काम करते हैं, इस कंपनी के बिजनेस का एक ओवरव्यू लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि कंपनी किन किन फील्ड्स में मेजरली ऑपरेट करती है। तो शुरुआत में हम आपको बता दें कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग में एंगेज्ड है। कंपनी के 5 प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, जिसमें सबसे पहला है डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स। इस सेगमेंट में कंपनी डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए हाई एंड ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि इंफ्रारेड लेंस, नाइट विजन कैमरास, मिसाइल सिस्टम्स के लिए ऑप्टिकल डोम्स एटसेट्रा। दूसरा है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वर्टिकल में कंपनी डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए एक वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। थर्ड है ईएमपी प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। इस सेगमेंट में कंपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस यानी कि ईएमपी से प्रोटेक्शन के लिए सॉल्यूशंस की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। चौथा है हैवी इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस। इस वर्टिकल के तहत कंपनी अपने बाकी बिजनेस वर्टिकल्स के लिए मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इसके अलावा कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और लास्टली नीश टेक्नोलॉजीज। इस वर्टिकल के तहत कंपनी अपने एक्सक्लूसिव पार्टनर से टेक्नोलॉजी सोर्स करती है और उन्हें इंडियन और फॉरेन क्लाइंट्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। ये टेबल कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखा रही है और ये सारे फिगर्स आपको क्रोर्स में दिख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटल एसेट्स में इंक्रीज दिख रहा है लगभग 20 क्रोर्स का, लेकिन टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दो फिगर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक आते आते कम हो गए हैं। टोटल एसेट्स जैसे कि आप देख सकते हैं 342.39 क्रोर्स पे थे, जो कि बढ़कर 362.76 क्रोर्स पे पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 21 में। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 149.05 क्रोर्स पे था फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो कि थोड़ा कम हुआ और 144.61 क्रोर्स पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी हमको अकॉर्डिंगली एक डिक्लाइन दिख रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं 19.657 क्रोर्स से ये फिगर कम होके 15.786 क्रोर्स पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 10.92% का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 30.89% का, आरओई है 7.64% पे, अर्निंग पर शेयर है 5.55 का और पीई रेशियो कंपनी का है 31.53 का। जबकि अगर आप इंडस्ट्री की पीई से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पीई है 20.55 पे। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है, जो कि काफी मैनेजेबल है। और इसका टू ईयर प्रॉफिट CAGR -8.78% है और टू ईयर सेल्स CAGR -4.08% का है। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 21 सितंबर 2021, आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर 2021 की। और इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 165 to 175 रुपीज पर इक्विटी शेयर का। इसका लॉट साइज है 85 शेयर्स का। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर 2021 की। इसका इशू साइज है 170.78 क्रोर्स का, जिसमें फ्रेश इशू है 140.6 क्रोर्स का और ऑफर फॉर सेल है 30.18 क्रोर्स का। अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और इसके लिए हम आपको लेके चलेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स और इसकी वीकनेसेस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में।
इंडिया का फोकस इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग लोकली करना चाहता है ताकि इम्पोर्ट को कम करा जा सके। ऐसे में ये सेक्टर में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पारस डिफेंस के पास एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। उनके कस्टमर्स में इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके अलावा इंडियन प्राइवेट स्पेस में कंपनी के रेप्यूटेड कस्टमर्स हैं, जैसे कि TCS और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया। पारस डिफेंस के शाबान, जो कि इसराइल से है, और ग्रीन ऑप्टिक्स, जो कि साउथ कोरिया से है, ऐसे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं। हमने स्ट्रेंथ्स की बात तो कर ली, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की वीकनेसेस के बारे में बात करना। कंपनी की गवर्नमेंट एंटिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि उनका 50.84% रेवेन्यू उनके थ्रू ही आता है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिफेंस और स्पेस पॉलिसीज़ में कुछ एडवर्स चेंज करने पे या बजट कम करने पे कंपनी का बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन उनका रीसेंट ट्रेंड नेगेटिव रहा है। पिछले 2 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट -4.08% और -8.78% के रेट से कंपाउंड हुई है, यानी कि दोनों ही कम हुई हैं। तो ये थे वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के IPO के बारे में पता होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये IPO एनालिसिस पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure document.